हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ जिसमें कि पैरामेडिकल के साथ साथ नॉन पैरामेडिकल पोस्ट भी दी गई हैं। और ये जो सारी पोस्ट हैं वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली और झज्जर हरियाणा के लिए हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की सर्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी किस तरह की पोस्ट निकली हुई हैं और उसकी लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में वैकेंसी निकली थी और उनका एग्ज़ाम भी हो चुका है। ये जो वैकेंसीज ये दोबारा निकाली गई हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो कि पिछली बार एग्जामिनेशन से रह गए थे या एप्लीकेशन नहीं भर पाए थे। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस बार इसको भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है और आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें जो पोस्ट है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है सीनियर बायोकेमिस्ट, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सीनियर केमिस्ट, तीसरे नंबर पे सीनियर टेक्निकल एडिटर। मैं इसमें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो आपकी फील्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें इजीली देख सकते हैं। मैं इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर इसको डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। तो मैं इसमें मोटी मोटी चीज़ में बता देता हूँ आपको। तो फोर्थ नंबर पर है बायोकेमिस्ट, फिफ्थ पे है केमिस्ट फॉर बायोकेमिस्ट्री, फिर सिक्स पर है केमिस्ट फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन, सेवन्थ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एट्थ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नाइन्थ पर है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, टेंथ पर है मेडिकल फिजिसिस्ट, एलेवंथ पर है वेलफेयर ऑफिसर, ट्वेल्थ पर है पब्लिक हेल्थ नर्स, थर्टीन पर है एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, फोर्टीन पर है बायोट्रिक कोऑर्डिनेटर, फिफ्टीन पर है डोनर ऑर्गेनाइजर, सिक्सटीन पर है वोकेशनल काउंसलर, 17 पर है असिस्टेंट डाइटिशियन, 18 पर है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, 19 पर है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, 20 पर है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, 21 पर है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, 22 पर है लाइफ गार्ड, 23 पर है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड, 24 पर है ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड वन, 25 पर है परफ्यूजनिस्ट, 26 पर है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, 27 पर है स्टोर कीपर, 28 पर है स्टोर कीपर जनरल, 29 पर है टेक्निकल असिस्टेंट ENT, 30 पर है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। तो दोस्तों, हमारा जो फील्ड है वो रेडियोलॉजी का है, तो इसमें हम डिटेल इसमें देखेंगे। जो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की पोस्ट है वो लेवल 6 है इसमें, यानी कि इसमें जो आपको ग्रेड पे मिलेगा 4200 ग्रेड पे आपको इसमें मिलेगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो BSc ऑनर्स या फिर BSc रेडियोग्राफी मांगी गई है, जिसमें कि 3 साल का होना चाहिए कोर्स ये, और ये किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 मांगी गई है यहाँ पर, इसमें 30 एज लिमिट है। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 38 हैं, जिसमें कि 14 जनरल की हैं, 12 OBC की, 7 SC, 3 ST एंड 2 EWS कैटेगरी की है। और इसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, CBT के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा। तो 31 पर है जूनियर इंजीनियर, 32 पर है जूनियर इंजीनियर सिविल, 33 पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, 34 पर है जूनियर फोटोग्राफर, 35 पर है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी है। अगर आपने न्यूक्लियर मेडिसिन का कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 30 है और इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि SC कैटेगरी के लिए है। क्वालिफिकेशन में इसमें देख लेते हैं कि इसमें BSc लाइफ साइंस मांगी गई है या फिर अदर साइंस में अगर आपने किया है तो इसमें वन ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स में। और इसमें डिजायरेबल जो मांगा गया है 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर मेडिसिन लेबोरेटरी में मांगा गया है। 36 पर है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 37 पर है फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड, 38 पर है रिसेप्शनिस्ट, 39 पर है ड्राफ्टमैन ग्रेड थर्ड, 40 पर है मल्टीपर्पज वर्कर, 41 पर है स्टेनोग्राफर, 42 पर है वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, 43 पर है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, 44 पर है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 45 पर है लाइब्रेरी गार्ड, 46 पर है मैकेनिक ACNR, 47 पर है सिक्योरिटी कम फायर गार्ड्स ग्रेड सेकंड, 48 पर है वर्कशॉप असिस्टेंट CWS। तो दोस्तों, ये सारी पोस्ट थी, इसमें हम जनरल कंडीशन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो विंडो है वो 24 अप्रैल से खुली है, जो कि 13 मई तक खुली रहेगी शाम 5 बजे तक। तो आपको इस पीरियड में अप्लाई करना है। और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक जो उसकी स्लिप होती है उसका प्रिंटआउट ले लेना है, जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगी। दोस्तों, आपको बाद में ध्यान रखना है, इसकी जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से पहले या फिर लास्ट डेट तक आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है
वो आपको ही पूरे होने चाहिए एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। इसमें एज लिमिट वगैरह आप देख लेना, क्योंकि आपके अगर एज क्रॉस होगी तो आपको जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो अभी वापस नहीं होगी, तो आपको ध्यान से अप्लाई करना है। तो उसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 13 मई तक है 2023 तक, जो कि शाम 5 बजे तक है, ठीक है। अब इसमें हम फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है इसमें 3000 है, और जो SC ST और जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए 2400 इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस को जो पे करने का जो माध्यम है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग है, इनके थ्रू आप इसमें पे कर सकते हो। और उसमें एक बात दी गई है कि जो SC ST कैंडिडेट है उनकी जो फ़ीस है एग्जामिनेशन फ़ीस वो रिफ़ंड कर दी जाएगी जब इनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने के बाद जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस वापस कर दी जाएगी। ये सिर्फ SC ST कैंडिडेट के लिए है। दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना है। तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD के लिए 10 ईयर्स का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 5 ईयर्स का है। अगर आप इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो PDF है वो दे दिया है लिंक में, आप उसको डाउनलोड करके इजीली इसमें पढ़ सकते हैं और अपने फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो ग्रुप ए के लिए जिसमें कि सीरियल नंबर 1 से 11 तक है उसमें इंटरव्यू होगा, उसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। और जो ग्रुप बी और सी जिसमें कि सीरियल नंबर 12 से 48 तक है उसमें सिर्फ ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों इसमें जो एग्जामिनेशन की डेट है, यानी कि जो CBT एग्जामिनेशन की जो डेट है वो या फिर इंटरव्यू की जो डेट है वो एम्स की वेबसाइट पर आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। तो आपको एम्स की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है कि कब इसमें एग्जामिनेशन डेट आ रही है, आपको वेबसाइट पर से ही पता चलेगा। और इसमें कोई भी एडमिट कार्ड आपके स्पीड पोस्ट के थ्रू घर पर नहीं आएगा, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। तो आपको वेबसाइट के टच में रहना है। अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग है जो कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU में वर्किंग है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है अपने एम्प्लॉयर से, और जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको दिखाना होगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी थी, आपको कैसी लगी? और इस वैकेंसी को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो। और इस तरह की वीडियोज़ आगे पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।